hello and welcome to B bq prime you're watching ip order and the company in focus today is vishnu prakash and punglia which is an epc uh, uh, major uh, mainly operating out of Rajasthan and some other states. The company is coming out with an IPO at the price band of 94 to 95, 99 rupees per share. The IPO opens on 24th August and closes on 28th. It's a fresh issue of nearly 309 crores and that gives the company a market value of a little over 1200 crores uh, at the upper end of the price band. And joining me is uh, Mr. Manohar Lal Punglia, who's the managing director, and Sarfaroz Ahmed, who's the chief financial officer at the company. मिस्टर पुंगलिया आपसे पहली पहला सवाल कि आपका जो ईपीसी बिजनेस है वो कौन कौन से स्टेट्स में है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करते हैं सर हमारा जो बिजनेस है वो मेजर तो हमारा राजस्थान के अंदर है राजस्थान के अलावा भी जैसे यूपी है नॉर्थ ईस्ट है गुजरात है हरियाणा है एमपी है ऐसे करके हमारा नौ स्टेट के अंदर है बिजनेस और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी हमारा बिजनेस है और जो मेजर हमारा वर्क है वो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लोग अपने वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट हम करते हैं इसके साथ में हम रेलवे और रोड वर्क भी करते हैं और इरीगेशन के भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं सर ये बताइए आप 309 करोड़ रेस कर रहे हैं उसका उपयोग किसके लिए होगा वो हमारे इस बिजनेस के लिए ही उपयोग होगा सर सर आ, मेजरली जो हमने ऑब्जेक्ट दिया है वो 62 करोड़ का इक्विपमेंट एंड प्लांट परचेज करने के लिए रहेगा हंड्रेड एंड फिफ्टी करोड़ का वर्किंग कैपिटल का रहेगा और रिमेनिंग जनरल के लिए ओके ये बताइए मिस्टर अहमद यू आर रेजिंग दैट अमाउंट एंड मेनली इज गोइंग टू यूज फॉर वर्किंग कैपिटल यू यू नो व्हाट इज द काइंड ऑफ डेट दैट हैव ऑन योर बैलेंस शीट एज ऑफ टुडे एंड एंड कैन यू ब्रेक इट अप बिटवीन शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट एज वेल Yes, sir. We have uh, we have total gross debt of rupees 250 crores. And uh, if we segregate this uh, debt, 190 crores are uh, short term and 60 crores are long term debts. And uh, you know, uh, I'm I'm seeing that a lot of companies, uh, especially in the construction and the EPC business, are raising a lot of fresh issue. And most of them is been used for working capital. Um, why is there such a big need for working capital coming in for you?

आपका वर्किंग कैपिटल देखिए मतलब ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो टू वर्किंग कैपिटल का रेशियो देखिए तो वो नेगेटिव है तो आपको लगता है कि आपने जो फंड्स अभी रेज किए हैं उसकी वजह से वो आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगा सर अभी कंपनी ग्रोथ फेज में है अभी लास्ट थ्री ईयर्स की बात करें तो हमारा जो सी है लास्ट ईयर्स का फोर्टी है और जो लास्ट टू ईयर्स की बात करें तो फिफ्टी फाइव परसेंट है तो कंपनी का जो ग्रोथ फेज है वो कंटिन्यू रहने पे सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो रहेगी और अभी रिसेंटली हम जो फिफ्टी वन प्रोजेक्ट्स इन हैंड है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर पंद्रह से बीस परसेंट की रिक्वायरमेंट रहती है हर प्रोजेक्ट पे सर तो तो इसमें तो रिक्वायरमेंट जो बन रही है वो है वो एक्यूरेट सर। ओके। पुंगले, हाँ सर, पुझे पुझे। इसमें आ, आगे आगे पुंगले जी मैं आपका ऑर्डर बुक देख रहा था लगभग तीन हजार करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुक है आपका तीन हजार आठ सौ करोड़ का ऑर्डर बुक है उसमें लगभग साठ प्रतिशत से ज्यादा जो है वो आई थिंक राजस्थान से आता है अगर मेरा मेरे मेरा अनुमान जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब yes, से तो उसको आँ. आप डी रिस्क कैसे करेंगे आगे जाके कैसे सर डी रिस्क कैसे करेंगे क्योंकि एक ही स्टेट से सबसे ज़्यादा आता है आपका तो उसको उसका जो उसमें जो रिस्क है कि एक स्टेट में आँ. अगर कल को पॉलिसी चेंज हो गई गवर्नमेंट चेंज हो गया तो उससे काफ़ी प्र, प्रोजेक्ट ई पी सी कॉन्ट्रेक्टर्स को काफ़ी फर्क पड़ता है तो उसको आप अपना रिस्क को कैसे स्प्रेड आउट करेंगे सर ये जो हमारे अभी जो राजस्थान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना सर ये राजस्थान गवर्नमेंट के अलावा सर जैसे रेलवे के भी राजस्थान में चल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है रोड वर्क के भी चल रहे हैं वो भी सेंट्रल के ही हैं सर एन इसके मोर्ड के हैं वो भी सेंट्रल के ही हैं और इसके साथ में सर हमारे को जो छत्तीस साल का जो अनुभव मिला है उसमें हमने राजस्थान के अंदर सब गवर्नमेंट हर हर पाँच साल से चेंज हो रही है तो इससे ऐसे वाटर जो हमारे वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसके साथ में जो अभी हमारे जल जीवन मिशन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर इसके अंदर 50 परसेंट सेंट्रल का हिस्सेदारी है और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये मतलब ये पब्लिक से रिलेटेड वर्क है तो इसमें कभी कोई दिक्कत वाली आने वाली बात नहीं है ये ये बताइए कि जल जीवन का मिशन का आपने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी इस पर यू नो एम्फोसिस कर रही है उसमें आपका टोटल बुक में से कितना जल जीवन का आता है सर सर थर्टी थ्री हंड्रेड सिक्सटी थ्री करोड़ का जल जीवन मिशन से है जिसमें पंद्रह प्रोजेक्ट है हमारे पास और एक एक में एल वन है अभी ओके okay. सर so, ये बताइए सर कि मैं आपका देख रहा था कि आपका बिड सक्सेस रेशियो लगभग सत्रह प्रतिशत का है वो जी आ, दो हजार बाईस में आपने अठारह हजार करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स में आपने यू नो बिडिंग की थी उसमें से आपको सोलह सत्रह प्रतिशत मिला उसका और दो हजार तेईस में आपने लगभग चार हजार पाँच सौ करोड़ के प्रोजेक्ट्स को किया था तो ये जो गिरा है ब, बिडिंग वो क्या जनरली गवर्नमेंट के बिड्स गिरे हैं या कैसे ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है ये सर मेजर डिफरेंस इस वजह से है कि इन द ईयर 2021 एंड 2022 इसमें कोविड पीरियड चल रहा था गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दे रखे थे सर लाइक ये एम थी तो उसमें जो हमारी बिडिंग uh, थी उसके हिसाब से इंक्रीज हुई और टेंडर्स हमें अवार्ड हुए सर और इमिडियटली जब हमारे पास सफिशेंट टेंडर्स आ गए तो हमने अपने हिसाब से अपने उस बिडिंग को इमिडियट थोड़ा स्लो डाउन किया और वापस फिर बिडिंग को अभी स्टार्ट किया सर पुंगले जी आप आपका प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं हर स्टेट में एटलीस्ट आठ नौ स्टेट्स में आपका प्रोजेक्ट है बिडिंग का प्रोसेस का कैसे दिख रहा है आपको 2023 और 24 में कितना कितनी बिडिंग टेंडर आ सकते हैं और वो कौन कौन से एरिया में होंगे सर अभी जो टेंडर के प्रोसेस है जैसे राजस्थान के अंदर भी है यूपी है एमपी है नॉर्थ ईस्ट है अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़, 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 ज़ फोकस है सेंट्रल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस है स्टेट गवर्नमेंट के भी फोकस है तो अभी जो अभी हम लोगों ने भी काफ़ी बीडिंग कर रखी है और आगे भी जो आगे जो भविष्य दिख रहा है उसके भी बहुत प्रोजेक्ट निकलने वाले हैं क्योंकि अभी रेलवे के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो प्रधानमंत्री जी ने काफी घोषणा की नए रेलवे स्टेशन बनने तो अभी जो आने वाला समय है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा और इसमें खूब सारे प्रोजेक्ट और भी आने की संभावना है आज के डेट में तो लगभग छह प्रतिशत का रेवेन्यू आपका आता है रेलवे से और छह प्रतिशत रोड रोड से आता है अगर मेरी मेरा डेटा सही है तो तो रेलवे में आपको किस तरह की प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हैं आज के डेट में और क्या ये जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशंस जो पूरे देश भर में बात हो रही है उसकी क्या उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे जी सर अभी रेलवे के अंदर हम मतलब ये ट्रैक बिछाने तक का कंप्लीट काम करते हैं रेलवे स्टेशन भी हमने बनाए हैं सर और अभी हमारा उदयपुर का जो रीडेवलप स्टेशन रेलवे स्टेशन का काम है वो हम लोग कर रहे हैं अभी डेढ़ महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी आए थे उदयपुर तब उसका उस प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया था वो प्रोजेक्ट हम ही कर रहे हैं और आगे भी इसके हमने मतलब इसकी बहुत संभावना है कि काम करने की के इसमें रेलवे में मे भी हमारा भी आगे जाके इसमें हमारे वर्क की बढ़ेंगे इसमें आगे जाके और रोड्स के रोड्स में आप कैसे कर रहे हैं क्योंकि एक या दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं राजस्थान में क्या सर, आगे जाके आगे जाके आप पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स में भी बिल्ड करेंगे क्योंकि उसमें कैपिटल उसमें कैपिटल की काफी जरूरत पड़ती है सर हमारे पास रोड वर्क के लिए भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है हमारे पास में और हमने रोड वर्क में भी जैसे अभी हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से अब हम आगे इसको भी रोड को भी आगे एक्सटेंड करेंगे और आगे जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे सरफराज जी ये बताइए कि आपका जो एबिटा है वो एक 157 के आसपास है और yes. एबिटा मार्जिन लगभग 13.4 परसेंट है ये एबिटा मार्जिन को आप ऊपर और ऊपर ले जा सकते हैं क्या गुंजाइश है उस, उसके लिए सर अगर लास्ट थ्री ईयर्स की ग्रोथ देखें हमारी

सर अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता बट ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन हम तो बट ये है कि इसके लिए श्योर करा सकता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ ही देखेंगे सर पिछली हिस्ट्री को देखते हुए कंपनी की आप काफ़ी सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करते हैं और सब कॉन्ट्रैक्टिंग में की वजह से वो मार्जिन भी काफ़ी प्रेशर में रहते हैं तो क्या आगे जाके सब कॉन्ट्रैक्टिंग कम करेंगे और अपना इंफ्रा कुछ सेटअप करेंगे सर मेजरली सब कॉन्ट्रेक्टिंग अगर देखा जाए तो ये इस बिजनेस का पार्ट एंड पार्शियल है सर और दो टाइप के सब कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं एक मटेरियल एक लेबर हमारा मेजरली लेबर कॉन्ट्रैक्ट रहता है सर जहां मटेरियल की बात करें तो वो एक क्रिटिकल मटेरियल्स जो होते हैं उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बाकी की मटेरियल सारा हम कुछ सप्लाई करते हैं और जैसे जैसे हमें क्या सर टाइम फ्रेम में काम कंप्लीट करना रहता है टीम्स अपॉइंट करनी रहती है हमारी खुद की एक्सटर्नल टीम्स है और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी स्केल बढ़ेगा तो वी विल श्योरली उनको थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करेंगे सर आपका बिल टू बुक रेशियो देख देखा जाए मतलब बुक बुक टू बुक रेवेन्यू का रेशियो देखा जाए तो लगभग तीन, तीन, तीन का आता है क्या आप इसको मेंटेन करेंगे आगे जाके सर बिल्कुल इसमें जो जो लास्ट हमारे बिल टू बुक रेशियो है वो थ्री था फिर फोर हुआ फिर वापस थ्री हुआ है तो इसको बिल्कुल मेंटेन करेंगे सर इसको इसको तो इस इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और क्या क्या यू नो आप देख रहे हैं कि क्या किस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि एक साल में आप कितना बिडिंग कर सकते हैं क्या आपका पास आपके पास इतना कैपिटल है कि आप बिडिंग करें क्योंकि इक्कीस बाईस में तो ई नहीं था तो आपने काफ़ी बिडिंग की और काफ़ी आप ही नहीं, नहीं बाकी बहुत बहुत ई प्लेयर्स ने बिडिंग की पर अब ई तो वापस आ गया है तो उसके लिए उतना कैपिटल भी रखे रिजर्व करना पड़ेगा जैसे आप बिड करते जाएंगे तो आपकी आपकी अभी बैलेंस शीट बैलेंसेंट कितनी है कि आप कितना तक बिड कर सकते हैं साल में सर अगर बिडिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो अगर रोड्स में है 400 टू सिक्स सिक्स करोड का है सर हमारा बिडिंग कैपेसिटी इंडिविजुअल बेस पे हुँ. जो वेरी करता है स्टेट टू तो स्टेट डिपार्टमेंट टू तो डिपार्टमेंट और अगर रेलवे की बात करें हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव का बिडिंग कैपेसिटी है हमारा रोड्स में थ्री हंड्रेड करोड़ का है एंड अदर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में टू करोड़ का बिल्डिंग है सर तो उसमें और जैसे जैसे वर्क फ्लो बढ़ेगा सर ग्रोथ बढ़ेगी बिडिंग कैपेसिटी इस इंडस्ट्री का फीचर है सर जैसे एग्जीक्यूशन करता जाऊंगा मैं तो उसका मेरा बिडिंग uh, कैपेसिटी बढ़ता जाएगा सर ये आईपीओ के बाद आपका आउटस्टैंडिंग डेट जो है 250 करोड़ जो आपने बोला वो कितना कम हो जाएगा सर आईपीओ के बाद अभी तो मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो अभी कम्प्लीट होगी बट जैसे ग्रोथ फेज पे है तो ठीक है हम एग्रेसिव बोरोइंग नहीं करेंगे बट उसको मेंटेन करके चलेंगे सर और कोई टारगेट है कि डेथ को आप कैसे मेंटेन करेंगे सर सेम रेशियो मेंटेन करेंगे जो भी चल रहा है 0 .8%, 0 .8 है। आ, आपके टॉप फाइव क्लाइंट आपको अगर देखा जाए तो लगभग एट्टी एटी वन परसेंट रेवेन्यू वहाँ से आते हैं तो वो भी एक रिस्क माना जाता है क्योंकि इतना मतलब पांच क्लाइंट के पास आपके एटी वन परसेंट रेवेन्यू हैं तो उसको डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं आप सर किसमें तो, किसमें सर, सर, सर वापस एक बार दो आपके जो टॉप तो तो फाइव क्लाइंट्स हैं वो 81% रेवेन्यू को अकाउंट करते हैं तो उसको डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे जैसे वाटर सप्लाई और ये इसमें कह रहे हो सर हाँ मतलब पांच क्लाइंट के 81% रेवेन्यू आते हैं आपके सर बाय द टाइम हम स्टेट वाइज ग्रो कर रहे हैं बिजनेस को जैसे अभी हमारा राजस्थान में मेजर है पोर्शन फिर हमने गुजरात किया फिर यूपी किया एम किया इसी तरह से सर इसमें आगे बढ़ेंगे सर अच्छा ये बताइए कि आपका आपका जो फाइनली आप जो आपका जो बिजनेस मॉडल होगा आगे जाके पुंगलिया जी Uh, आपका करेंटली तो वाटर सप्लाईज़ में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है पर आप अपने आप को आगे कैसे देखते हैं कि एज ए पी प्लेयर क्या रोड्स uh, में ज़्यादा देखने इन्फोसिस uh, होगा या रेलवेज़ में ज़्यादा इन्फोसिस होगा क्योंकि वाटर सप्लाई तो आज के डेट में सिर्फ uh, आपका काफ़ी है uh, राजस्थान में लिमिटेड है क्या आगे जाके आप उसको यू uh, नो you know, उसको तो, उस बिजनेस मॉडल को तो डाइवर्सिफाई तो 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 करेंगे कि रेवेन्यू हर जगह हर आपकी चार जो बिज़नेस यूनिट्स हैं उससे क्वली आए या लगभग अच्छी तरह अच्छे मात्रा में आए सर हमारा ऐसे छत्तीस साल का जो अनुभव वाटर सप्लाई में है वो तो हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे कारण क्या है कि वाटर सप्लाई के अंदर आगे भी बहुत स्कोप है जैसे भी जल जीवन मिशन है इसके बाद में अमृत टू की भी स्कीम आ रही है उसके अंदर भी वाटर सप्लाई के काम खूब है तो वाटर सप्लाई तो हमारा बेस रहेगा और आगे भी इसको हम बढ़ाते रहेंगे और हम जैसे अभी अभी हम नौ स्टेट है केंद्र शासित में काम कर रहे हैं वो तो मैक्सिमम हम तो हमारे जो, जो बाहर वर्क चल रहे हैं वो वाटर सप्लाई के चल रहे हैं सर इसके साथ में जैसे रेलवे के अंदर भी जैसे हमने एंट्री भी कम टाइम ही हुआ हमको उसमें उसके अंदर भी हम आगे हम हमारी जो रहेगी ग्रोथ बढ़ेगी इसमें रेलवे के अंदर भी क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो भी चाहते हैं कि मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े रेलवे का हम रेलवे के अंदर भी करेंगे और इसके साथ में रोडवर्क का भी जैसे अभी हमारे पास सब इक्विपमेंट अवेलेबल है तो हम रोडवर्क के अंदर भी आगे इसमें ग्रोथ ही करेंगे सर और आ, अभी हमारे पास पूरी टीम है तो हम आगे ग्रोथ हमारा रहेगा मनोहर लाल जी एंड सरफराज अहमद जी आज बीक्यू प्राइम से बात करने के लिए धन्यवाद आपका आईपीओ जो है 94 फोर टू नाइन्टी नाइन पर शेयर पे है अगस्त 24 से अगस्त 18 के 28 के बीच में खुला रहेगा और आप लगभग 309 करोड़ रेस कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू फ्रेश इश्यू में धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से थैंक यू